ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਬੁਲਾਏ, ਸਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ? ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਚਲ ਸਾਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਪਹਿਲੇ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ? ਅੱਛਾ, ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏਗੀ? ਸਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ। ਚਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨੇਗਾ ਸਾਲੀ? ਅੱਧੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਟੁੱਡੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਂ ਫਿਰ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ? ਗਜਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਏ, ਛੋਟਾ ਬੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰਨਾ ਕਿਆ ਭੋਸੜੀ ਕੇ, ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको वही फनी वाला होस्ट तिको रहमान, यूँ ना परेशान महंगा हो गया आलू और कीमे वाला नान। आज भी ना मौजूद है लबाइटी मार्केट, लोगों से करते हैं बातचीत, सवाल हमारा बहुत अल्लाह और लोग भी तो खूबसूरत है माशाल्लाह। हम वही कॉमन साइंस वाला सवाल लेके आए लोगों की नज़रों में और लोगों के कदमों में और लोगों के घुटनों में और लोगों के दिलों में, तो देखते हैं हमारे सवाल को लेके लोग क्या रद्द अमल पेश करते हैं। आए जरा लोगों से बात करते हैं। नाम? नाम नाम यार वैस। काम तो तुम्हारे सारे ही वो बलल्ले होंगे? नहीं नहीं, श्री बच्चों। क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ यार। किस चीज़ के? इतना डीप ना जॉब तू। किस चीज़ के स्टूडेंट हो? पढ़ाई का। कौन सी पढ़ाई का? बैचलर्स का। बैचलर, व्हाट इज बैचलर? बैचलर इज अ पार्ट ऑफ स्टडी एंड विच वी नो अबाउट दैट। आहो, अच्छा मुझे बताना, ये है कि एक साइड पे वालदा बुला रही है और दूसरी साइड पे आपकी अम्मी बुला रही है और तीसरी साइड पे आपकी बीवी बुला रही है, आप सबसे पहले किन के पास जाओगे? वालदा के पास, अम्मी के पास या अपनी बीवी के पास? यार देखें, अगर वालदा मेरी पर्सनली जाती वालदा, उनके पास। वालदा के पास जाओगे या जसमानी माँ के पास जाओगे या अपनी बीवी के पास जाओगे? यहाँ तो तू पागल है या मैं पागल करना आ गया? तू पागल है, तेरा नाम तू तो मेरा नाम मैं, पागल कौन? कोई भी नहीं। एक दसना है? नहीं कोई नहीं दसना। एक मेहनत करके दस। नहीं, तुम तेरी बीवी अच्छी लगती या सस? यार ब्याह ही नहीं होया, किधर बीवी चंगी लगनी यार? यार एक दादा तू समझ जा, तेरा ब्याह होया है। सिंगल लोग हैं, किवें समझ लेला तेरा ब्याह होया है? किवें समझ लिए? मां दे पैरां थल्ले जन्नत है ते बीवी दे पैरां दे थल्ले अल्लाह ताला ने की रखे? ठोडे जुत्ती पईया नहीं फिरा फिर। ओए तैनूं दस दिया, ब्याह ही नहीं है तो मैनूं किवें? तेरा तजुर्बा किस चीज दा? तुहाडे बकरियां ने दस्सिया जिन्हां नूं पईया? किन्ने छोटा ए, हां छोटा बी, अच्छा छोटा सी, हुण वड्डा नहीं हो गया? छोटा सी, छोटा सी ना, सी यानी कि सी, अच्छा छोटा डी तो छोटा ई। चल समझ ले, एल आ गया हूँ, एल नू वड्डा बोल। तू गंदा एल है, वड्डा बोलना है। वड्डा एल किड्डा को? एडा एडा को वड्डा एल। बहुत शदीद ठंड हैगी है, खास तौर पर लाहौर च, ठीक है। तो जेहड़े ब्याह बड़े ने वह की नाते ने अपनी बेगमां नाल एक कमरे रहन, तो जेहड़े जेहड़े कुवाड़े ने वह दो कमलों च रहन। जी नाज़रीन, इन्हां नाल गल करके सानू बहुत चंगा लगा और बहुत अच्छा भी लगा। प्यारा सा नाम? नुमान। नुमान क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, वो क्या होता है? मैंने भी लवा दो। चला चलिए। किन्नी पे वे? पे कोई नहीं, आप ही टाइम लगाना पैना है, तुम्हें पता बाजारी आवाजारी। अच्छा अनुमान, एक साइड पे आपकी अम्मी बुला रही है और दूसरी साइड पे आपकी वालदा बुला रही है और तीसरी साइड पे आपकी बीवी बुला रही है, आप पहले किसकी बात सुनोगे? अम्मी वालदा बीवी बात है जवा, अम्मी भी है कि वालदा भी एक ही है, तुम्हें पता है या वालदा नहीं? तो तुसी आप ही दो नाम रखे? नहीं नहीं, ओदी तो पता है सब, तो मां ही क्या से मां। अच्छा माँ, अच्छा बीवी बुलाए तो उन्होंने उनकी गल नहीं सुनोगे? नहीं। क्यों? वालदा वालदा के पैरों थले तो जन्नत है, तो बीवी के पैरों थले गुस्सा जुत्ती लित्तर दे ना, मैं बूटा मेरा सियाद है ना बड़ा होता सियाद हो गई। कभी खादिया तो नहीं? नहीं अलहमदुल्ला, अजे तो ब्याह बड़े नहीं है, बच गई हैं। तुहाडी शादी तो बाद अगर तुहानू सस तुहानू बुलाए तो दूसरी जगह तो तुहाडी अम्मी अम्मी कह रहे बीवी बुलाए, साली क्यों नहीं बुला रही? चल साली भी बुलाए पहले। नहीं नहीं नहीं, तू पहले मैं दो जगह ला ला, जवाब दे साली ने क्यों नहीं बुलाया? अच्छा साली बाद विच बुलाएगी? साली पहले आई। चल एक साइड ते तेरी साली बुला रही, दूसरी साइड ते तेरी बीवी बुला रही, किंदी गल सुनेगा? साली। हां साली नहीं, अद्धे घर वाली। अच्छा कोई पैगाम देना चाहे ना बीवियां वालेयां नु? मैं ही कहांगा जुत्ती दे कोलों बच के, जरा साड़ियां उहनां नु ही चंगा लगदियां जिहड़ा व्याह वाला नहीं गा। अज वी जिवें वेखो मैं व्याह वाला नहीं गा। अलीफ नाम सुना दो। चल सुना दे अलीफ। बे बे
बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राजा अदनान। राजा अदनान, कितने हो तुम मेहरबान और ना हुआ करो परेशान। अदनान अंकल आप क्या करते हैं? मैं वापडा में जॉब करता हूँ। वापडा में जॉब करते हैं? वाह, बिजली तो फिर तुम्हें फ्री होनी है। फ्री तो नहीं है, यूनिट्स माफ होते हैं, लिमिट्स होती हैं हर चीज़। अच्छा, लिमिट्स होती है। आपने मुझे बताना ये है कि एक साइड पे बीवी है और दूसरी साइड पे वालदा बुला रही हैं, तो आप पहले किन की बात को रजू करें? पहले तो वालदा मोहतरमा की बात को मिलेंगे ना उनको, उनकी बात। बीवी का कोई रुतबा नहीं है? बीवी का रुतबा अपनी जगह है, लेकिन पहले वालदा का है। पहले वालदा का, पहले वालदा का। ये बात आपकी बीवी सुन रही है? सुन रही होंगी इंशाल्लाह, लाइव सुन रही होंगी। पक्की बात है? पक्की बात है। नहीं, वालदा के पाँव के नीचे तो अल्लाह ताला ने जन्नत का मकाम रखा हुआ है, तो बीवी के पैरों थले। बीवी के पैरों में भी जन्नत है, लेकिन उसके बच्चों के लिए ना, वो हमारे लिए तो नहीं ना, वो बच्चियां वास्ते, उसके बच्चों के लिए ना, अप्पा वास्ते की है। हमारे लिए हमारी वालदा के पाँव में जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो तुम्हारी बीवी के पैरों थले तुम्हारे वास्ते कुछ नहीं। देखिए, बीवी का ख्याल रखना, बीवी का एहतराम करना या बीवी को उसका मकाम देना वो ज़रूरी है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वालदा का जो रुतबा या मकाम है जो मेरे पैर प्यारे रब ने बना दिया, वो तो नहीं हम खत्म कर। वालदा को साइड पे कर दें, एक साइड पे बीवी है और दूसरी साइड पे आपकी सास है, पहले किसकी बात को फॉलो करें? पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपनी वाइफ को पहले फॉलो करेंगे। सास को नहीं, सास किन्ने भी अपनी तुम्हारी वाइफ तो अनुदित। बिल्कुल, वो ज़रूर है, लेकिन पहले वाइफ, अगर वाइफ बहुत अच्छी है तो वो अपनी वालदा की खुद ही खिदमत करवा लेंगे। अच्छा, ये भी आपकी बात ठीक होगी। सास भी साइड पे होगी, एक साइड पे आपकी साली है, दूसरी साइड पे आपकी बीवी है, किसे फॉलो करेंगे? पहले करेंगे फॉलो करेंगी वाइफ को, फिर साली को नहीं। नहीं, साली नहीं, 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 साली का एहतराम अपनी जगह है, बिल्कुल बेटियों की तरह होती है वो, छोटी बहनों की तरह है, लेकिन वाइफ पहले है। कोई गाना शाना सुना दे, अपनी बीवी को डेडिकेट कर दें जिनको आप इतना याद कर रहे हैं। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में ये झुमका तेरे, कानों में झुमका तेरे, सितारा लगा, तारा लगा, पूरा ठारा लगा। जी, तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा मामा ने फैसला करके क्या नाम रखा है? समामा। और आपका? उमेर। समामा आपका नाम? जी। जमामा क्या लगती है आपकी? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं लगते। दूर की खाला लग, कौन सी खाला? दूर की। दूर की, नज़दीक की नहीं? नहीं। अच्छा, एक साइड पे आपको मम्मी बुला रही है और एक साइड पे आपको बीवी बुला रही है, आप किसकी बात सुनेंगे पहले? फिर जन्नत वाली जावां दे। पक्की बात है? पक्की बात। अगर ये आपकी वाइफ सुन ले तो? सुनती रहे, अभी तो है ही नहीं, अगर हो भी तो सुनती रहे। यानी माँ पहले? बिल्कुल। तो कोई पैगाम देना चाहते हैं जो रन मरीद हैं? रन मुरीद होना भी गलत नहीं है वैसे, आप अगर हर बंदे का अपना अपना ज़हन होता है ना, आप कैसे चीज़ को लेके चल रहे हो। रन मुरीद होना गलत नहीं है, यानी अपने भैन भरा छड़ के, अपनी माँ छड़ के, तो बीवी के थले लगा रहना अच्छी बात है? नहीं, ये तो नहीं अच्छी गल है। उन्होंने ही रन मुरीद कहते हैं? हाँ, नहीं, रन मुरीद होता है कि गल शल तुम मनो जी मन वाली है, पर यह नहीं कि हर तो आमीन कर दे। एक औरत का हकूक ने, हकूक पूरे करने चाहिए। हकूक तो इलावा नहीं, चलो ताउले दा कोई गाना सुना। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, सोने फुलां वाली, तरसना नहीं इनू गा के, बस इन्ना ही होना। नहीं, नहीं है मैंने। जी तो नाज़रीन, आपने देख लिया लोगों का क्या रद्दे अमल था। यकीन करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे, आपने ये शहादत वाली उंगल से लाइक करनी है, कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, इसे शेयर कर देना है, ताकि ये प्रोग्राम आपके अलावा आपके रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, नानका नानकों में से, दादका दादकों में से, गली वाले, मोहल्ले वाले, नगर वाले, टोन वाले, हत्ता के वो शारे पे खुलते हुए ख्वाजा सरा वो भी ना रह जाए। अब हो गया एक छोटा सा वक्फा ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए, आपको मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मैं मी पो पो पैंक।